हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ड्रीम पाथ के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ली। आज हम आपको उसी के बारे में कुछ और बता रहे हैं कि आप ड्रीम पाथ से और क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम शिफ्ट प्रेस करके तो ये बिल्कुल राउंड शेप में आएगा। उसके बाद सेंटर कीजिए, देन स्टॉक में जाइए। सेम वही प्रोसीजर आप इसे इतना बड़ा कर सकते हैं एंड यहाँ से इसका कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं। देन राउंड कैप, इसके बाद ऐड में ट्रिम पाथ स्टार्ट जीरो से करना है, 10 सेकेंड में 100 बनना है। प्रीव्यू देखें, एक राउंड शेप में बन गया। अभी हम इस पे स्टॉक पे जाके अगर डैशेस वगैरह अप्लाई करते हैं ये देखिए। और बहुत से लोगों का ये थी कि हम आफ्टर इफेक्ट में जो फाइल रेंडर करते हैं वो बहुत बड़े साइज का बन जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। एक मीडिया एनकोडर आता है आफ्टर इफेक्ट में, उसे डाउनलोड कीजिए और उसके बाद कंपोजिशन, तो ये यहाँ मीडिया एनकोडर हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका उस फाइल को मीडिया एनकोडर के अंदर ओपन करेगा। वेट करते हैं कुछ टाइमिंग लगेगा। और एक बात और, जो आपका Adobe After Effects का वर्जन है 2021 है 2022 है जो भी है, आप मीडिया एनकोडर सेम वही डाउनलोड कीजिए। देखिए ये फाइल आ गई है। देन अभी इसमें ये है कि आपने इसको H.264 करना है तभी इसकी क्वालिटी, मतलब फाइल साइज कम बनेगा, अदरवाइज बहुत रेंडर जो फाइल होगी बहुत बड़ी हो जाएगी। देन सिंपल प्ले,
कि ये फाइल डाउनलोड हो गई है। तो देखेंगे ये फाइल सिर्फ और सिर्फ 650 KB की ही डाउनलोड हुई है 10 सेकंड की। तो इस तरह आप कोई भी फाइल कर सकते हैं, बट आपको वर्जन वही लेना है जो आपके आफ्टर इफेक्ट का वर्जन है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आप लाइक नहीं करते हो यार, वीडियोस देखते हो बट सॉरी लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक भी कीजिए। थैंक यू।